ये है News 81 हिंदी, सच सबसे पहले। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक 60 साल के नागरिक की मौत हो गई है। इस व्यक्ति की कुछ विचलित कर देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें इस व्यक्ति के पोते को अपने दादा की डेड बॉडी पर बैठे हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विवादित कमेंट किया है, जिसके बाद एक्ट्रेस दिया मिर्जा और संबित पात्रा के बीच ट्विटर पर वार भी देखने को मिली। दरअसल संबित पात्रा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, पुलितजर लवर्स। संबित पात्रा के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने उनके ट्वीट को लेकर नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने लिखा, क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना बची हुई है? वहीं डायरेक्टर हंसल मेहता ने लिखा, ये इंसान यूं तो एक नेशनल पार्टी का प्रवक्ता है, पर असल में महज एक ट्रोल है और ऐसे शख्स की रिपोर्ट करनी ही चाहिए। इसके बाद संबित पात्रा ने भी दिया मिर्जा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ मैडम, मुझमें संवेदनाएं हैं, अपनी सेना के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आपकी तरह हमारी संवेदनाएं सिलेक्टिव नहीं हैं। दिया मिर्जा ने भी संबित के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, संवेदनाएं कभी भी सिलेक्टिव नहीं होती हैं, या तो वे आपके पास होती हैं या फिर नहीं। किसी भी बच्चे को इस तरह के दर्द और भयावहता से नहीं गुजरना चाहिए जैसा इस बच्चे के साथ हुआ है। आप अपनी पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए और मैं आपको अपना सपोर्ट दूंगी, फिर चाहे मेरे हाथों में प्ले कार्ड हो या नहीं। माना जा रहा है कि संबित पात्रा का ये ट्वीट साल 2020 में पुलितजर अवार्ड पाने वाले जर्नलिस्ट को लेकर कटाक्ष था। इन जर्नलिस्ट ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के हालातों को लेकर कई तस्वीरें जारी की थी और अपनी मार्मिक तस्वीरों के लिए उन्होंने फीचर फोटोग्राफी में प्रतिष्ठित पुलितजर अवार्ड 2020 जीता था। संबित पात्रा अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। लोग दिया मिर्जा का साथ दे रहे हैं और संबित पात्रा को ट्रोल कर रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए News 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।